हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। वैसे तो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान हर कहीं अपने परफेक्शन से लोगों को अपना दीवाना बना देते हैं, पर बीवी के आगे सारे परफेक्शन धरे के धरे रह गए हैं। फिल्मों में परफेक्शन और अपने एक्स वाइफ के आगे हो गई इनकी टाइटाइफिस। दरअसल हाल ही में एक्टर आमिर खान ने अपने तलाक के बारे में खुलकर बात की और बातों बातों में उन्होंने एक खुलासा भी कर दिया। आमिर खान ने बताया कि जब उन्होंने किरण से पूछा था कि एक पति के रूप में उनमें क्या कमी है, तो किरण ने झट से आमिर को कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए। वो पॉइंट्स थे, आप बहुत बात करते हैं, आप किसी को बात नहीं करने देते, अपने ही पॉइंट पर बात करते रहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो सिर्फ 3 ही पॉइंट्स आपको बताए। ऐसे कुछ 15 से 20 पॉइंट्स किरण ने आमिर खान को लिखवा दिए। भाई अब इन पॉइंट्स को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आमिर खान के अंदर एक नहीं कई बदलावों की जरूरत है। वैसे आपको बता दें, किरण से आमिर की दूसरी शादी थी और दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम आजाद है। ये दोनों 2021 में जुदा हो गए थे। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ली थी। तलाक के बाद अब दोनों अच्छे दोस्त हैं। तभी तो इस हालिया बातचीत में किरण राव से तलाक पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, एक मजेदार चीज है, हम लोगों का तलाक अभी हुआ है, आप लोगों को पता ही है। तो एक दिन शाम को मैं बैठा हुआ था, मैंने किरण से पूछा कि क्या लगता है एक पति के रूप में मुझमें क्या कमी थी, अभी मैं अपनी जिंदगी में क्या सुधार कर सकता हूँ। बस उसी समय किरण को मौका मिल गया और उन्होंने कॉपी पेन लेकर आमिर को बिठा दिया और लिखवा दिए 15 से 20 पॉइंट्स। यानी दुनिया के सामने परफेक्शनिस्ट दिखने वाले आमिर असल जिंदगी में कितने परफेक्ट हैं, ये बीवी से बेहतर भला कौन जानता होगा। और लीजिए, बीवी ने ही पोल खोल दी। इसके अलावा आमिर खान से पूछा गया था कि तलाक के बाद वो किरण के साथ कैसे काम कर पा रहे हैं, तो उन्होंने काफी शानदार जवाब दिया। इस पर आमिर ने मजाक में कहा, क्या ये किसी डॉक्टर ने कहा है कि अगर तलाक हो जाता है तो आप फौरन दुश्मन हो जाते हैं। वैसे आमिर खान ने ये आगे माना कि वो खुशकिस्मत है कि किरण राव उनकी जिंदगी में आए और उनका जीवन काफी शानदार बनाया। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।